अज ही डाउटनट ऐप डाउनलोड करो। डाउटनट ते होंगे तुहाडे सारे 6वीं तो 12वीं क्लास दे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री अते बायोलॉजी दे डाउट दा सफाया, ओ भी पंजाबी विच। बस अपने प्रश्न दी फोटो खिंचो, उसनू क्रॉप करो अते तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अते अजेहे ही होर वीडियो देखन लई डाउटनट पंजाबी यूट्यूब चैनल नू सबस्क्राइब करो। हाँ जी स्टूडेंट, तो चलिए आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। वेखिए अपना क्वेश्चन है आज दा स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटोमिक मॉडल, यानी कि आप बोहर का जो एटोमिक मॉडल है वह पोस्टुलेट आप एक्सप्लेन करने ने इतने। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलिए फिर आप करने हैं स्टार्ट। वेखिए स्टूडेंट, सब तो पहला पोस्टुलेट से बोहर का वह सी न्यूक्लीयस के कंसैप्ट तो रिलेटिड। किदे तो रिलेटिड से वह न्यूक्लीयस दे, यानी कि उन्होंने आप बोल नाम देंगे न्यूक्लीयर कंसैप्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? ते देखिए न्यूक्लियर कंसेप्ट जो पहला पोस्टुलेट की सी, एदे अकॉर्डिंगली जो एटम है वो एक छोटे जे उदे विच एक छोटा सेंटर होंदा जिन्हों आपां की आखांगे न्यूक्लियस। ते देखिए एन एटम कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल एंड मासिव सेंट्रल कोर, स्मॉल एंड मासिव सेंट्रल कोर कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। मतलब कि जेड़ा अपना एटम है उदे सेंटर विच उदा बड़ा एक छोटा जा सेंटर हुंदा है, उस सेंटर विच सारा दा सारा एटम दा मास एग्जिस्ट करता है। क्लियर? ते उसनू आपां की आखने हां न्यूक्लियस। क्लियर है स्टूडेंट्स? ते जेड़े इलेक्ट्रॉन ने आ जेड़े इहदे विच की प्रेजेंट हुंदे ने, इलेक्ट्रॉन्स दे रिवोल्व अराउंड न्यूक्लियस। मतलब कि स्टूडेंट जेड़े इलेक्ट्रॉन ने और न्यूक्लियस के चारों वाल चक्कर लगाते रहते हैं। क्लियर? तो इतने जो सेंट्रीपिटल फोर्स है अपना, केड़ा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स बिटवीन प्रोटोन या बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ते वेखो स्टूडेंट, आज आपां पहले पोस्टुलेट नूं दोबारा रिपीट करने हैं। जिहड़ा एटम है वह किहदा बनिया होया है? एक स्मॉल यानी कि छोटे जिहे ते एक मासिव यानी जिहदे विच सारा मास एग्जिस्ट करता है, उस छोटे जे सेंटर कोर दा बनिया होया है, उहदा नाम की है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस। क्लीयर? तो जिहड़ा इलेक्ट्रॉन है वह चक्कर लगा रहा है, किहदे वल चक्कर लगा रहा है? एक न्यूक्लियस के चारों वल। क्लीयर? ते आ उन्हों जो चक्कर लाने लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की लोड है, वह सेंट्रीपिटल फोर्स उन्हों किधरों मिलिया है? फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। वेखे न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज है, प्लस का चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन के उत्ते माइनस का चार्ज है, तो प्लस से माइनस एक दूजे हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। क्लीयर? तो उधरों ही अट्रैक्टिव फोर्स आया अपना सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लीयर है स्टूडेंट्स? आ समझ लगी तुहानू? ते वेखिए हुण आपां इहदी करांगे सैकिंड पोस्टुलेट। जिहड़ी सैकिंड पोस्टुलेट है उहनू आपां आखणे उहनू नाम दिंदे आ उहनू क्वांटम कंडीशन। क्लीयर? की नाम देंगे सैकिंड पोस्टुलेट नू? क्वांटम कंडीशन। वेखिए स्टूडेंट, आ क्वांटम कंडीशन की है? कहिंदे जिहड़े इलेक्ट्रॉन ने उह केवल उहे उसे ओरबिट विच चक्कर लांदे ने जिहदे विच इलेक्ट्रॉन दा एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हुंदा है एच बटे दो पाई दा। क्लियर? आपां वेखे इहनू लिखांगे द इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच
इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच द एंगुलर मोमेंटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ओ एच बाय टू पाई। यानी कि स्टूडेंट्स देखिए, इलेक्ट्रॉन केवल उसे ऑर्बिट विच चक्कर लगाएगा जिस ऑर्बिट विच ओदा जिहड़ा एंगुलर मोमेंटम है कि ये एंगुलर मोमेंटम जिसका फॉर्मूला होता है एल बराबर एम वी आर, आ एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होएगा, यानी कि इंटीग्रल यानी कि एन मल्टीपल कि इंटीग्रल मल्टीपल होएगा एच बटे दो पाई का। क्लियर, एन की वैल्यू इतनी किन्नी होंगी है, एक दो तीन इसे तरह कुछ भी हो सकती है। मतलब एन एक इंटीग्रल नंबर है, इतने इंटीग्रल नंबर केड़े होंगे ने, एक दो तीन चार, आ नंबर इंटीग्रल मल्टीपल होंगे ने। जदों जेड़े ओरबिट विच इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एच बटे दो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होएगा केवल उसे ओरबिट दे विच जेड़ा है अपना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, आ समझ लगी। हुण वेखे आपां करने आ इहदे तीजी पोस्टूलेट। तीजी पोस्टूलेट इहदी की है कि जेड़े इलेक्ट्रॉन ने वो एक फिक्स ओरबिट विच चक्कर लगाते हैं। क्लीयर, ते आपां की लिखांगे तीजी आ, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन द फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब जेड़ा इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स वो केवल एक फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट विच चक्कर लगाउंदा है। मतलब कि वह जो ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का वह हमेशा फिक्स रहेगा। मतलब ऐसा नहीं होना कि इलेक्ट्रॉन कदे तीजे च कदे दूजे, मतलब एवं घूमता घूमता स्पाइरल नहीं घूमेगा, वह एक फिक्स ऑर्बिट के चक्कर लाएगा। क्लीयर, तो हुण वेखिए आप चौथी कंडीशन, जदों इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, वैन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी देन इट जंप फ्रॉम लोअर टू द हायर, इट जंप्स फ्रॉम लोअर टू द हायर एनर्जी लेवल। क्लियर, मतलब जदों इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो आ लो एनर्जी लैवल तो हाई एनर्जी लैवल से जंप कर जाएगा। क्लीयर, तो इसका अपोजिट भी ट्रू हैगा है। अपोजिट की है इसका, देखिए, वैन इलेक्ट्रॉन जंप हायर एनर्जी लैवल, हायर एनर्जी लैवल टू द लोअर एनर्जी लैवल, टू द लोअर एनर्जी लेवल देन इट एमिट्स, देन इट एमिट द एनर्जी। क्लियर, मतलब कि स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन जड़ा है अपना हाई एनर्जी लैवल तो लो एनर्जी लैवल से जंप करेगा तो कुछ एनर्जी नू एमिट करेगा। क्लियर, तो देखिए एदा फॉर्मूला की होएगा, जी एनर्जी एमिट हुई फॉर्मूला एच न्यू आ अपना कि बराबर होएगा ई टू माइनस ई वन के बराबर होएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो आ हो गया अपना क्वेश्चन का सोल्यूशन।